हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंखों देखा हाल, इंडिया नेपाल बॉर्डर पर जो हो रहा है इस समय काला पानी जो क्षेत्र को लेकर विवाद हो चुका है। तो ऐसे में यहां से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या इसे आप ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से समझ पाएंगे हर प्रकार से। यहाँ पे लगभग मैं 8 से 10 लोगों को, ऐसे लोगों के बारे में बात करूंगा, ऐसे लोगों की जो बात हुई है वहां से, ऐसे लोगों के बारे में बात किया जाएगा जिससे आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या चल रहा है और उनकी क्या ऐसी राय है जिससे दोनों देशों को समझना चाहिए, दोनों देश की सरकार को भी समझना चाहिए और दोनों देशों की जनता को भी समझना चाहिए। इस समय भारत व नेपाल के मध्य तनाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ऐसे में आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा, या यूं कहें कि कुछ ऐसी बातें की जाएंगी जिससे हम सभी को पता चलेगा कि वास्तव में बॉर्डर के पास क्या क्या हो रहा है, सच्चाई क्या है। क्योंकि सच्चाई सभी लोग जानना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, तो आखिर ये सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो यही आपके मन में आएगा प्रश्न कि सच्चाई क्या है। जैसे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल सीमा पर एक बसा स्थान है जिसे आप सभी जानते होंगे, धारचूला। यहाँ के SDM कार्यालय के बाहर आज काफी चहल पहल, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कल की है तो आप इसे कल ही मानिएगा, तो वही बताया गया कि काफी चहल पहल या यूं कहें कि भीड़ भाड़ बहुत ही अधिक थी। क्योंकि भारत देश के राज्यों में लॉकडाउन खत्म हो चुका है लेकिन इस बॉर्डर एरिया में भारत नेपाल सीमा विवाद के कारण कुछ नई नई तरह की पाबंदियां जरूर लगा दी गई हैं। SDM कार्यालय पहुंचे लोग इन्हीं पाबंदियों से परेशान होकर यहां फरियाद लेकर आ रहे हैं। जैसे ग्वालगाड़ के रहने वाले रोहित सिंह भी ऐसे ही एक फरियादी हैं। कुछ ही दिन पहले रोहित के भाई की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। रोहित बताते हैं कि हमारे यहाँ परंपरा है कि मृत आत्मा की शांति के लिए उसकी अस्थियों को काला पानी में विसर्जित किया जाए जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। मुझे अर्थात रोहित ने बताया कि अस्थि विसर्जन के लिए काला पानी जाना है और उसी की अनुमति के लिए मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन अनुमति नहीं मिल रही है। काला पानी वह जगह है जो इन दिनों भारत नेपाल सीमा विवाद का केंद्र बनी हुई है। नेपाल सरकार का कहना है कि काला पानी भारत का नहीं बल्कि नेपाल का हिस्सा है। इसके साथ ही भारत के लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को भी नेपाल ने अपने देश का पार्ट बताया। पिछले रविवार अर्थात लास्ट मई को यहाँ के लोगों ने रेडियो पर ही एक खबर सुनी थी कि भारत और नेपाल के बीच में जमीनी विवाद चल रहा है, कि नेपाल सरकार ने अपने देश के नक्शे में बदलाव से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, दशकों से भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की यहां पर मौजूदगी रही है, वहां पे भारतीय पोस्ट भी बनाए गए हैं। बीते 8 मई को भारत देश के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ बनी रोड का उद्घाटन किया था। भारत और नेपाल के बीच में इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो कितने जमीन के लिए विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला जो मैप लगाया गया है, जो कटिंग वाला है, थोड़ा सा जो किनारा साइड निकला हुआ उसी के लिए है। यहाँ पे मैं बड़े मैप में इसे दिखाऊंगा जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। उसी हिस्से को अगर आप इसमें देखें, इस मैप में, तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है इसी को लेकर इस समय प्रेजेंट टाइम में विवाद चल रहा है। और जो नया मैप अभी हाल ही में नेपाल सरकार ने जारी किया गया है, उस हिस्से को या इस हिस्से को उसमें दिखाया गया है। यह रोड धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है जो कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का अहम रास्ता भी माना जा रहा है। इस रोड के बनने से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो पहले 3 सप्ताह लगती थी अगर आप आराम से जाते, अब उस दूरी को मात्र 1 सप्ताह में ही तय कर लिया जाएगा। लिपुलेख दर्रा भारत तिब्बत और नेपाल की सीमाओं पर बसा है। भारत के लिए इस रोड का निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आप पर्यटन के रूप में देख सकते हैं या भारत और चीन के व्यापार को ले लीजिए। इसके माध्यम से नेपाल के गांव को भी फायदा होगा और इसके साथ साथ भारत के उन गांव को भी फायदा होगा जो सदियों से रोड का नज़ारा भी नहीं देख पा रहे थे या उसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे। कोई भी काम होता था 70 से 80 किलोमीटर वो पैदल जाकर काम करते थे, लेकिन अब इस रोड के बनने से इनको भी फायदा होगा, सभी देशों को फायदा ही होगा। लेकिन नेपाल देश ने इस रोड निर्माण पर आपत्ति जताई है और इसके बाद ही काला पानी को अपने देश का हिस्सा बताने वाला संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया और यह पास भी हो गया है। इस सीमा विवाद के कारण पिथौरागढ़ जिले के तमाम लोगों के लिए काला पानी वर्तमान में काला पानी जैसा दूर हो गया। जैसे कहा भी गया है कि कोई वस्तु आपके पास है लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए ऐसा ही कहा जाएगा कि काला पानी उनके एकदम नज़दीक है लेकिन फिर भी आज एकदम दूर से प्रदर्शित या दूर जैसा ही प्रदर्शित हो रहा है।
भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के अलावा किसी को भी इस समय यहाँ पे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नई बनी रोड ने कालापानी को सीधे धारचूला से जोड़ तो दिया, लेकिन इस रोड का आवागमन फिलहाल बेहद थमा थमा है। चाहे कारण कोविड-19 को ले लीजिए या इस समय जो आपसी विवाद भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। साधारण दिनों की अगर मैं बात करूं तो स्थानीय लोगों के लिए कालापानी जाने में कोई भी रुकावट नहीं होती थी, और जो लोग बाहर से आते थे अर्थात किसी दूसरे देश से यहाँ पे आते थे घूमने के लिए, पर्यटन के लिए या किसी से मिलने ही आते थे, तो इस स्थान पर पहुँचने के लिए इनर लाइन परमिट या इसे हम ILP कहते हैं। ये ILP क्या होता है ये समझ लीजिए, ILP वो परमिट होता है कि अगर आप दूसरे देश के हैं, दूसरे राज्य से हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको हर चीज़ का वहाँ पे ध्यान रखना होगा। जैसे जो प्राकृतिक संपदा होती है, जो वहाँ की बनावट होती है, उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करना होगा। क्या आपको वहाँ पे ले जाना होगा, कितने लोगों को एक साथ जाना होगा, ये सब जो तय किया जाता है वहाँ के अधिकारी होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे मैंने बात किया कि SDM जो होते हैं उस क्षेत्र के, जो धारचूला के SDM होंगे, वो अधिकार देंगे कि आपको कब जाना है, कितने समय के लिए जाना है, क्या ले जाना है, क्या नहीं करना होगा। सारी जो नियम कानून होता है वो वही बनाते हैं, तो वही होता है आपका ILP जो इनर लाइन परमिट होता है। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं उनके लिए ऐसी किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी चीज़ के ऐसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद न तो बाहरी लोगों के लिए ILP जारी किया जा रहा है और न ही स्थानीय लोगों को काला पानी जाने दिया जा रहा। धारचूला के SDM अनिल शुक्ला से बात करने पर जानकारी मिली कि ऊपर से आदेश आया है कि किसी को भी परमिट जारी न किया जाए, चाहे वो स्थानीय लोग हों या दूसरे जगहों से यहाँ पे घूमने आ रहे हों। लॉकडाउन के पूरी तरह खुलने के बाद भी इस वर्ष परमिट जारी नहीं होंगे, ऐसा क्यों? जब इनसे ये प्रश्न पूछा गया, इसका स्पष्ट जवाब SDM अनिल शुक्ला नहीं बताएं। लेकिन स्थानीय लोग मान रहे हैं कि सीमा विवाद के कारण ही ऐसा हुआ है, क्योंकि इस तनाव के बढ़ने से पहले अस्थि विसर्जन के लिए स्थानीय लोगों को कालापानी जाने की अनुमति दी जा रही थी। लेकिन हाँ, सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने अपने गांव जाने की अनुमति अब मिल गई है, जो हजारों लोग वहां पे सीमा बॉर्डर पर फंसे थे दोनों देशों के बॉर्डर पर। और नई सड़क जो बनाई गई है उसका फायदा भी इन लोगों को मिल रहा है। तिब्बत सीमा के पास रहने वाले इसी क्षेत्र के आखिरी गाँव जो कुटी है, वहाँ के रहने वाले अर्जुन सिंह बताते हैं कि वर्ष 2000 तक हमें अपने गाँव पहुँचने के लिए 80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। फिर मांगती तक रोड बनी तो यह दूरी कुछ कम हुई, लेकिन तब भी 60 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी बिना सड़क के थी। ये पहली बार हुआ है कि हम गांव तक गाड़ी से जा पाए हैं। पिथौरागढ़ जिले के इस क्षेत्र में 3 घाटियां हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे पहली है आपका ब्यास घाटी, दूसरा है दारमा घाटी और तीसरा है चौदास घाटी। इन 3 घाटियों में बसे दर्जनों गाँव इस नई सड़क से सीधे सीधे लाभ ले रहे हैं। लेकिन इस सड़क के उद्घाटन के बाद भारत नेपाल संबंधों में जो तनाव आया है उसका सीधा सीधा प्रभाव भी इसी क्षेत्रों के लोगों पर पड़ता है। इस क्षेत्र में भारत और नेपाल की सिर्फ भौगोलिक सीमाएं ही करीब नहीं आती, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई एकता भी मेल खाती है। यहाँ का सामाजिक तानाबाना नेपाल के साथ इस खूबसूरती से जुड़ा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सिर्फ राजनीतिक नक्शे पर बनी एक प्रतिबिंब ही नजर आती है। बस दोनों देशों की सरकार को लगता है कि ये एरिया हमारा है, ये एरिया इनका है, यहाँ पे बॉर्डर है। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ऐसा कुछ भी नहीं मानते। वो सोचते हैं कि सब हिस्सा एक साथ, सभी दोनों देश से रिलेशन है। भारत और नेपाल दोनों मिला के एक ही देश हैं, कभी भी इनके बीच में विवाद ही नहीं हुआ। कहा भी जाता है कि यहाँ के लोगों का नेपाल के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है। स्थानीय लोगों का नदी के दूसरी छोर पर बसे नेपाल में शादियाँ करना एक साधारण सी बात है। जोल जीबी में ही हमारी मुलाकात हरीश गिरी से होती है। वे बताते हैं कि मेरी पत्नी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है, हमारे कई रिश्तेदार उस पार रहते हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन जारी हुआ है हमारा उस तरफ जाना या उधर से किसी का इधर आना पूरी तरह से बंद हो गया और कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा। और यहाँ पे मैं जो 2 से 3 लाइन और बताऊंगा वो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इसमें बस कहा भी गया है लेकिन जो दर्द है वह इसमें छिपा हुआ है। हम यहाँ से 70 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जा सकते हैं, अर्थात जोल जीबी से हम पिथौरागढ़ 70 किलोमीटर जा सकते हैं, लेकिन मात्र आधे किलोमीटर दूर नेपाल नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस क्षेत्र में जोल जीबी से कालापानी तक दोनों देशों की सीमाएं काली नदी के बहाव की विपरीत दिशा में समांतर चलती है। तो यहाँ पे जो ये मैप लगाया गया ये जोल जीबी वाला है, जो यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे ये जो बॉर्डर, यहाँ पे ये काली नदी है और यहीं से
भारत और नेपाल का बॉर्डर का निर्धारण होता है। तो वही इन्होंने बताया कि हम यहाँ से जौल जीबी से 70 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जिले में जा सकते हैं, लेकिन मात्र 500 मीटर की दूरी हम तय करके नेपाल में नहीं जा सकते। इस नदी पर कई जगहों पर पैदल पुल बनाए गए हैं, जिनसे स्थानीय लोग आसानी से एक दूसरे के देश में आते जाते हैं। ये आवागमन हमेशा से इतना आसान रहा है कि नेपाल से कई छात्र तो प्रतिदिन ट्यूशन पढ़ने इस तरफ आते थे और शाम को वापस भी लौट जाते थे। जौल जीबी में ही एक झूला पुल भी, आप सभी को जानकारी भी होगी, लगभग 100 मीटर लंबे इस पुल से लोग नदी के दूसरी तरफ नेपाल में बसे अपने रिश्तेदारों से मिलने जाया करते थे, इस लॉकडाउन के पहले या इस विवाद के पहले कह सकते हैं। जब हम अपनी गाड़ी का रेडियो ऑटो ट्यून करते हैं तो रेडियो पर नेपाली चैनल बजने लगता है। धारचूला के आसपास नेपाली रेडियो स्टेशन खासे लोकप्रिय हैं। नेपाली संगीत जमकर सुना जाता है और यहाँ की बोली भाषा से लेकर परंपरा तक सभी नेपाल से बेहद मिलती जुलती है। सांस्कृतिक समानता से लेकर मूलभूत जरूरतों के लिए भी लोग एक दूसरे के देश पर निर्भर हैं। जैसे नेपाल के अधिकतर गाँव के लोग राशन इस तरफ से ले जाते हैं, तो वही भारत के कई गाँव के लोग फोन नेटवर्क नेपाल का इस्तेमाल करते हैं। हैरानी वाली बात तो ये है कि सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, इसके साथ ही भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान भी नेपाल के सिम कार्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तवाघाट से ऊपर के इलाकों में कोई भारतीय मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जबकि नेपाली नेटवर्क अच्छे से काम करते हैं। सिमलोखा गाँव के रहने वाले कविंद्र बताते हैं कि कोरोना के कारण भारत नेपाल को जोड़ने वाली सभी पुल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब इनका पूरी तरह बंद रहना सिर्फ कोरोना के कारण नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच आए तनाव के कारण भी है। ये तनाव अगर बढ़ता है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इस इलाके के लोगों को ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कई वीडियो में भी कह चुका हूँ कि अगर ये विवाद बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा, दोनों देशों की सरकार को तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई पैसा खर्च होगा, सेना वहाँ पर जाएगी, तो हर चीज़ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे अधिक अगर नुकसान होगा तो वहाँ के लोगों को होगा, चाहे वो भारत के लोग हों या नेपाल के लोग हों। इस घाटी में नेपाल की तरफ पड़ने वाले गांव तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनका तो राशन तक यहां से जाता है। इन दिनों भारत नेपाल सीमा के इस हिस्से में भारतीय फौज की गतिविधियां भी कुछ तेज हो गई है, और उधर से नेपाल के भी जो सैनिक हैं वो बहुत ही अधिक एक्टिव हो गए हैं। जैसे सरकार ने भी आदेश दिया कि बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी जाए, क्योंकि ऐसे मुद्दे को दोनों देश ही बहुत ही तेजी से हैंडल कर रहे हैं और बहुत ही गहराई से वहाँ पर नज़र रखे हैं। और नई बनी रोड पर भी लगातार काम चल रहा है। कालापानी से करीब 40 किलोमीटर पहले मालपा के पास नेपाल ने अपनी सीमा में एक नई पोस्ट बनाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पोस्ट करीब एक सप्ताह पहले बनाई गई है और इसके लिए कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर से नदी के किनारे नेपाल सरकार ने उतरवाया है। इसे वर्तमान सीमा विवाद से न जोड़ते हुए ये लोग बताते हैं कि यह पोस्ट इसलिए बनाई गई है क्योंकि नेपाल यहाँ एक पैदल रास्ते का निर्माण कर रहा है। मालपा में रोड निर्माण का काम कर रहे कुछ स्थानीय लोगों से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पोस्ट जल्द ही हट जाएगा, क्योंकि हम लोग इधर सड़क बनाने के लिए लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं, जब आगे ब्लास्ट होंगे तो यह पोस्ट सुरक्षित नहीं रहेगी और इसलिए इस पोस्ट को हटाना ही होगा। और बताया भी गया था, नेपाल सरकार ने भी कहा था कि ये जो पोस्ट है ये अस्थायी है और जब भी जरूरत होगी तो हम उसे हटा लेंगे। लिपू लेक तक बनी नई रोड अभी कच्ची है और सिर्फ बड़ी ASU या 4x4 गाड़ियां ही इस पर चल सकती हैं। जगह जगह पर भूस्खलन के कारण भी यह सड़क आए दिन ब्लॉक हो जा रही है, लेकिन इसे तुरंत खोल भी दिया जा रहा है और BRO जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके माध्यम से रोड का निर्माण किया जाता है बॉर्डर एरिया का, इस रोड को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा। नाभी गांव के रहने वाले रवि बताते हैं कि जब ये रोड बन रही थी तो कई जगह मशीनों को पहुंचाना मुश्किल था और ये मशीनें नेपाल की सीमा से होकर आगे भारत सरकार ने पहुंचाई थी। तब नेपाल सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, जैसा यहाँ पे ये इमेज के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ एक हेलीकॉप्टर है और उसी से मशीन लटका हुआ है जो रोड के निर्माण में काम आता है। तो इस मशीन को नेपाल देश के माध्यम से ही यहाँ पे पहुंचाया गया है और भारत सरकार ने इसके बारे में नेपाल से हो सकता बात भी ना किया हो, लेकिन फिर भी नेपाल सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग और जो काम कर रहे हैं, जो रोड बन रहा है, वहाँ के लोगों ने बताया है। अब हमने TV पर सुनी है कि भारत नेपाल के बीच तनाव बढ़ रहा है, यहाँ तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ है। सच तो ये है कि ये कहने भर को बॉर्डर है, पर कभी हमें लगा नहीं, क्योंकि उस पार हमारे जैसा घर संबंध है। ये टीवी के बीच तनाव टीवी तक ही सीमित रहे, इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि ये देशों के बीच तनाव टीवी तक ही सीमित रहे, यहाँ बॉर्डर तक ना पहुँचे,
ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो रहन सहन, जो यहाँ पे व्यवहार है, जो रिलेशन है, वो बहुत ही अच्छा है। ऐसा कभी भी यहाँ पे सीमा विवाद को लेकर नहीं हुआ है, चाहे वो भारत के लोग हो या नेपाल के लोग हो, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो ये थी हमारी आज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आंखों देखा हाल जो वहाँ पे इस समय चल रहा है, जिसके लिए दोनों देश लड़ने के लिए भी कह सकते हैं कि जो जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें वहाँ पे नॉर्मल है। और ऐसा ही दोनों देशों की जनता, दोनों देशों की सरकार को ही समझना होगा, क्योंकि वहाँ से अगर कुछ भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ के स्थानीय लोगों को ही होगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को सूचित किया जाएगा। इसी प्रकार से बने रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे लोगों को पता चले कि वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या हाल है और क्या वो चाहते हैं और क्या सरकार कर रही है, चाहे वो भारत सरकार हो या नेपाल सरकार हो। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।